नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली स्थित एम्स में सोमवार दोपहर बाद से 5,000 नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। हड़ताली नर्सों में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। इससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। कोरोना काल में नर्सों की हड़ताल ने परेशानी और बढ़ा दी है। मरीज परेशान हो रहे हैं और कई वार्ड में तो मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि अभी ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन इसका असर दिखना शुरू हो गया है। वहीं अब हड़ताल को ध्यान में रखते हुए एम्स प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। प्रशासन ने हड़ताल जारी रहने तक बाहर से नर्सों का इंतजाम करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, प्रशासन ने करीब 170 नर्सों को बाहर से आउटसोर्स करने का फैसला लिया है। कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करने के लिए एम्स की तरफ से विज्ञापन भी दिया गया था। हालांकि हड़ताली नर्स नर्सिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने का विरोध कर रहे हैं। विज्ञापन को लेकर एम्स प्रशासन ने कहा कि प्रशासन कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सों को रखने पर विचार नहीं कर रहा था, लेकिन पिछले दो दिनों से नर्स हड़ताल पर हैं, जिसके चलते इमरजेंसी के तहत हमें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एम्स का नर्सिंग संघ न तो काम कर रहा है और न ही काम करने दे रहा है। वहीं एम्स नर्स यूनियन ने देशवासियों से अपील की है। यूनियन ने कहा है कि मरीजों को हो रही समस्या के लिए एम्स प्रशासन जिम्मेदार है। एम्स प्रशासन नर्सों की जायज मांग को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि एम्स प्रशासन गुपचुप तरीके से अयोग्य और अनुभवहीन नर्सों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रहा है, जिससे एम्स की साख पर पट्टा लग सकता है। नर्स यूनियन का कहना है कि एम्स ये करके मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हड़ताली नर्सों का कहना है कि जो नर्स एम्स इलाज के लिए आते हैं, इन्हें बाहरी लोगों के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं है। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। आपको बता दें कि एम्स नर्स यूनियन अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उनसे आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की है, लेकिन नर्सों की मांग है कि 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए। नर्सों का कहना है कि हमारे लिए आवास की व्यवस्था की जाए और कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही भर्तियों को खत्म किया जाए। नर्स यूनियन का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।